हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के एम स्मार्ट आइज सो टुडे हियर आई वांट टू डिस्कस अबाउट लेटेस्ट क्यू कार्ड ऑफ मकर लिस्ट मे टू अगस्त पीडीएफ सो आर क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ पज़ल जिग्सा क्रॉस वर्ड दैट यू हैव प्लेड मींस कोई भी पज़ल बताना जिसमें जिग्सा हो गया क्रॉस वर्ड हो गया जो आपने प्ले किया हो ओके स्टूडेंट सो वॉट्स द क्यूज़ फॉर दैट वॉट पज़ल वॉज इट वो, वो पज़ल क्या था हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कम्प्लीट इट कितना टाइम इसको कम्प्लीट करने में लगता है वेदर इट वॉज डिफ़िकल्ट और ईजी और ये मतलब डिफ़िकल्ट है या फिर ईजी है एंड हाउ यू फील अबाउट इट और आप इसके लिए कैसा फील करते हो गे स्टूडेंट सो नाउ लेट स्टार्ट विद इन सम सैम्पल आंसर वेल सोल्विंग पजल्स इज़ एन एंटरटेनिंग एक्टिविटी बिकॉज पीपल कैन मेक दैम सेल्व रिलैक्स वैन दे प्ले या सोल्व एनी पज़ल कि पज़ल्स uh, को सोल्व करना एक एंटरटेनिंग एक्टिविटी है क्योंकि लोग खुद में रिलैक्स फील करते हैं जब भी वो प्ले करते हैं या सोल्व करते हैं किसी पज़ल को एंड अ प पज़ल इज़ रिलेटेड टू अ गेम अ टॉय और अ प्रॉब्लम पज़ल मतलब गेम से रिलेटेड भी हो सकता है कोई टॉय भी हो सकता है या फिर किसी प्रॉब्लम को मतलब पजल भी बोल सकते हैं आप बेसिकली इट टेस्ट द इन जनरटी और नॉलेज ऑफ अ पर्सन कि बेसिकली ये टेस्ट करती है जेनरेटी पर्सन की और उसका नॉलेज इट डजेंट मीन दैट ओनली चिल्ड्रन कैन प्ले पज़ल गेम्स इवन एल्डर्स ऑल्सो प्ले टू मेक दैम सेल्व मोर रिलैक्सड एंड स्ट्रेस फ्री कि केवल बच्चे ही नहीं पज़ल को खेल सकते बल्कि जो एल्डर्स हैं वो भी खेल सकते हैं ख़ुद को रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री करने के लिए सो हेयर आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ पज़ल विच आई लव टू प्ले विद माई कज़न यहाँ पे मैं एक पज़ल के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैं अपने कज़न के साथ खेलती हूँ एंड इट इज़ अ जीगसा पजल और ये एक जीगसा पजल है इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीज इन दिस पजल रेगुलर इरेगुलर डबल ईयर्स एंड एज और ये बहुत ही मतलब एंटरटेनिंग है क्योंकि इसमें बहुत मतलब अलग अलग टाइप के पीसीज हैं पजल के अंदर रेगुलर कुछ रेगुलर हैं कुछ इ रेगुलर हैं कुछ डबल ईयर्स हैं कुछ एज हैं सो समाइम्स इट्स टफ टू पुट द करेक्ट पीस इन द करेक्ट पोजिशन कि इसलिए मतलब थोड़ा टफ हो जाता है कई बार करेक्ट पीस को करेक्ट पोजीशन पे लगाने में एंड इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड टू प्ले इट और इनिशियली ही मैंने मतलब जब इसको खेलना स्टार्ट किया आई वाज अनेबल टू पुट द राइट पीसीज एट द राइट पोजीशन सो मैं अनेबल रहा राइट right पीसीज को राइट right पोजीशन पे लगाने में I आई one hour to solve it and during this process I felt more happy and relaxed as it is considered a more relaxing and meditative game. कि मैंने वन आर इस पर मतलब स्पेंड किया और इस प्रोसेस के टाइम मुझे मत बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील हुआ और रिलैक्स भी क्योंकि ये एक मतलब रिलैक्सिंग और मेडिटेटिव गेम है सो वन एवर आई हैव फ्री टाइम और एट द वीकेंड और जब भी मेरे पास मतलब फ्री टाइम होता है या फिर वीकेंड में आई ट्राई टू प्ले दिस गेम मैं इस गेम को खेलने की कोशिश करती हूँ मोर ओवर पजल्स रियली एनहेंस द क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन की जो पजल्स है वो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को बढ़ाती है पर्सन की बिकॉज़ व्हेन पीपल ट्राई टू सोल्व एनिजिक सा पजल दैन दे यूज़ देयर टू ब्रेन्स एट वन टाइम क्योंकि जो लोग हैं जब भी मतलब जिगसा खेलने की कोशिश करते हैं जिगसा जो पज़ल है उस टाइम एक पर्सन के दो माइंड वर्क करने स्टार्ट हो जाते हैं एक टाइम में सो पीपल एनहेंस देयर रीजनिंग विजुअल एंड स्पेटियल एबिलिटी बाय सॉल्विंग सच पज़ल्स और जो लोग हैं वो अपनी रीजनिंग को एनहेंस कर सकते हैं विजुअल को और स्पेटियल एबिलिटी है पर्सन की इन uh, पजल्स को सॉल्व करके Okay students so now we will discuss about the follow up questions of this cue card and our first question is uh, what do people do online in their free time log free time me online kya karte hain well people play online games chat with their friends as well as solve puzzles online वन एवर दे हैव लेज़र टाइम कि जब भी पर्सन के पास लेज़र टाइम होता है वो ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करते हैं या फिर पज़ल गेम्स है जो वो खेलते हैं इन दिस वे दे किल देर टाइम एज़ वेल एज गेट पीस ऑफ माइंड और इस वे में वो अपने टाइम को मतलब स्पेंड करते हैं और साथ ही उनको मन की शांति भी मिलती है अगे okay, और सेकेंड क्वेश्चन इज वट इम्पैक्ट डज द इंटरनेट हैव ऑन स्कूल्स कि इंटरनेट के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं स्कूल के ऊपर वेल स्कूल्स हैव बीन अपग्रेडिड विद द इंटरनेट कि जो स्कूल्स हैं वो अपग्रेड हुआ है इंटरनेट के साथ नाउ स्कूल्स आर इक्विप्ड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच स्टूडेंट्स टू बी अपडेटेड विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी एज वेल एज द इंटरनेट स्कूल इन रनिंग ऑनलाइन क्लासेज ड्यूरिंग अनफोरसिन सरकमस्टांसिस कि जो स्कूल जब वो इंटरनेट से अपग्रेड हुआ है और जब आप स्कूल हैं वो कुछ की मतलब यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो कि मतलब स्टूडेंट्स को अपडेट करवा रही है न्यू टेक्नोलॉजी से और साथ ही मतलब ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी स्टूडेंट्स इंटरनेट का यूज़ कर रहे अनफोर्सिंग सरकमस्टांसिस के अंदर यानी कि जब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तब वो मतलब इन केसेस में ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू थिंक मैनी पीपल वेस्ट देयर टाइम ऑनलाइन क्या आप ऐसा सोचते हो कि कुछ लोग हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंटरनेट पे यस देर आर नंबर ऑफ पीपल हु वेस्ट देयर टाइम ऑन इंटरनेट टू प्ले ऑनलाइन गेम्स और अपलोडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन गेम प्ले करके या फिर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है अपलोड करके सोशल मीडिया से दे जस्ट डू इट फॉर एंटरटेनमेंट परपजिज कि वो ऐसा मतलब केवल एंटरटेनमेंट परपज़ के लिए करते हैं एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स क्रिएट एन आर की इन सोसाइटी और जो ये चीज़ें हैं वो क्रिएट करती हैं एन की इन सोसाइटी के अंदर मतलब लड़ाई झगड़े ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कैन पीपल डू विद द इंटरनेट इन द फ्यूचर एंड हाउ कि लोग इंटरनेट के साथ क्या कर सकते हैं फ्यूचर में और कैसे पीपल कैन क्रिएट मैनी ऐप्स और प्रोग्राम्स इन द फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि uh, लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से मतलब बहुत सारे ऐप्स या प्रोग्राम मतलब क्रिएट कर सकते हैं नाउ देयर आर मैनी एप्स दैट अपग्रेड यंगस्टर्स एस्पेशली टीन टू मेक दैम प्रोफिशियंट इन मैथेमेटिक स्किल्स और मैथ मकैनिकल स्किल्स कि अब भी मतलब बहुत सारी एप्स हैं जो अपग्रेड किए हैं यंगस्टर्स ने या टीन ने जो मतलब उनको प्रोफिशियंट बना रही है मैथमेटिकल स्किल्स में या फिर मकैनिकल स्किल्स में सो दिस विल हेल्प दैम इन फ्यूचर टू क्रिएट यूनिक थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल फॉर दैम इन देयर रूटीन एज वेल एज़ फॉर द सोसाइटी जो उनकी हेल्प करेगी फ्यूचर में एक मतलब यूनिक चीज़ बनाने में जो कि हेल्पफुल रहेगी उनके लिए उनके डेली रूटीन में और सोसाइटी के लिए भी ओके स्टूडेंट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन व्हाट वेज़ कैन पीपल गेट इन्फॉर्मेशन अ डेज कि लोग किन वेज में मतलब इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं पीपल गेट इन्फॉर्मेशन इन मैनी वेज दे गेट इन्फॉर्मेशन वाई द इंटरनेट न्यूज़ पेपर बिल बोर्ड्स एज वेल एज रेडियो कि लोग बहुत वे में मतलब इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं जैसे कि इंटरनेट है न्यूज़ पेपर है बिल बोर्ड्स है और रेडियो द ऑडियो विजुअल मैथड इज़ कंसिडर्ड जनरली गुड टू गेट इन्फॉर्मेशन जो ऑडियो विजुअल मैथड है वो मतलब अच्छा माना जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए अगे लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट्स द डिफरेंस इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड द न्यूज़पेपर की कि इंफॉर्मेशन को गेट करना लाइब्रेरी से और न्यूज़पेपर से उनके बीच में डिफरेंस क्या है आगे स्टूडेंट्स वेल देयर इज़ अ ह्यूज़ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी और न्यूज़ कि यहाँ एक मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिसिव्ड फ्राम द लाइब्रेरी इज़ आउटडेटिड कि जो इंफॉर्मेशन हम लाइब्रेरी से ले रहे हैं वो आउटडेटिड है मतलब पहले की होती है वाइल्ड द इंफॉर्मेशन इज़ द न्यूज़ पेपर इज़ द लेटेस्ट लेकिन जो न्यूज पेपर के अंदर इंफॉमेशन है वो हमारी लेटेस्ट होती है एंड वेरी वेरी फ्यू पीपल गो टू द लाइब्रेरी और बहुत ही कम लोग जाते हैं लाइब्रेरी में इन कॉन्ट्रास्ट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़ पेपर इज सीन इन एवरी हाउस और जो रीडिंग न्यूज़पेपर की जो हैबिट है वो हर एक घर में देखी जा सकती है सो पीपल मोस्टली बिलीव इन प्रिंटेड न्यूज़ इंस्टीड ऑफ द न्यूज़ इन द लाइब्रेरी और जो लोग हैं वो मतलब प्रिंटेड न्यूज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लाइब्रेरी जाने की बजाय या लाइब्रेरी की न्यूज़ की बजाय ओके स्टूडेंट्स सो दिस इज़ अ क्यू कार्ड एंड देयर आर फॉलो अप क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्यू कार्ड and student if you have any doubt in q card you can write in the comment box and student if you want to get more and more information about my next video then please share and subscribe to channel more and more and now thanks for watching